iPhone 11 Pro Max बनाने का खर्चा कितना 30,000 और बेच हमें कितना रहा है 1,50,000 रुपए में, मतलब 5 गुना प्रॉफिट। बढ़िया बिजनेस टैक्टिक। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा टेक न्यूज, आज का पहला न्यूज है गूगल की तरफ से। पिछले दिन गूगल पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL लॉन्च हुआ था और कहा जा रहा है कि इसका जो डिस्प्ले दुनिया का सबसे बेहतर डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले मेट नाम का एक वेबसाइट है जो कि हर एक स्मार्टफोन के डिस्प्ले को ऊपर रेटिंग देता है, जैसे कौन सा डिस्प्ले कितना ज्यादा कलर आउटपुट देता है, मतलब कितना ज्यादा कलर रिप्रोडक्शन है। और गूगल पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL का जो डिस्प्ले वो अभी नंबर 1 पोजीशन पे, मतलब दुनिया का सबसे बेहतर स्मार्टफोन डिस्प्ले अभी गूगल पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL पे। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं अगला न्यूज सुन के। अगला न्यूज है गूगल पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL इंडिया में लॉन्च नहीं होगा और इसके लिए जिम्मेदार है इंडियन गवर्नमेंट, और ये गूगल की तरफ से ऑफिशियल न्यूज है। वैसे क्यों इंडिया में लॉन्च नहीं होगा इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है, ये टेक न्यूज खत्म होने के बाद आप उसे जरूर देखना। क्योंकि आज इंडिया में ZTE ने अपने ZTE Red Magic 3S को लॉन्च कर दिया है, सारे स्पेसिफिकेशन ZTE Red Magic 3 जैसा है, बस ये जो S वर्जन है इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 855+ और इसका जो 8GB रैम 120GB मेमोरी वेरियंट है उसका प्राइस है 36,000 रुपीज और ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। और वैसे मैं ऐसा कह सकता हूं 30,000 से 35,000 के बीच में ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें इनबिल्ट वेंटिलेशन चेंबर है। अगला न्यूज है नोकिया की तरफ से। तो नोकिया ने आज इंडिया में अपना नोकिया 110 2019 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। वैसे इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं, इसका प्राइस है 1600 रुपए। अगर आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला एक फीचर फोन चाहिए था तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो यूएसए में सेल्सफोर्स नाम का एक कंपनी है, उसका सीईओ उन्होंने ऐसा कहा है, फेसबुक आजकल के दिन के सिगरेट जैसा है, मतलब सिगरेट जैसे लोगों को अपने तरफ खींचता है, लोगों को बुरा बना देता है, मतलब उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसा फेसबुक मॉडर्न वर्ल्ड का सिगरेट है और इस सिगरेट के चंगुल में फंस रहा है मॉडर्न वर्ल्ड के जो बच्चे हैं वो लोग, और ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करना उनके मेंटल हेल्थ के लिए बुरा है, ये उन्होंने दावा किया है। तो अगला न्यूज भी फेसबुक की तरफ से कह देते हैं, फेसबुक अब बहुत ही जल्द पूरा डार्क मोड यूज करने वाला है और इसके ऊपर फेसबुक टेस्टिंग भी कर रहा है। वैसे फेसबुक का जो वीडियो ऑप्शन है वही पर ये डार्क मोड इस्तेमाल होगा, क्योंकि इससे जो आसपास के पिक्चर वो और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो आपको तो पता है कोर्सर एक कमाल का कंपनी है जो कि कंप्यूटर रैम UPS ये सारी चीजें बनाता है, और रैम बनाने में तो इसका कोई जवाब नहीं। अब कोर्सर वेंजियंस LPX नाम का जो मॉडल उसका एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो वाला रैम दुनिया का पहला 5 GHz फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहा है। अगला न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। टेक्नोलॉजी बहुत लोगों के काम आ सकता है, जो लोग डिजेबल है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे बड़े कंपनी है जो कि इन सारे प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट इन सारे कंपनी के लिए आ चुका है और माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है और कहा है कि फ्यूचर में ऐसे कोई भी स्टार्टअप अगर आएगा जो कि डिजेबल पीपल को मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाएगा उन्हें माइक्रोसॉफ्ट पूरा मदद करेगा। अगला न्यूज है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने ऐसा कहा है नेक्स्ट ईयर जो कि गैलेक्सी नोट या फिर गैलेक्सी S सीरीज आएगा उसमें जो फ्रंट कैमरा होगा वो ट्रूली अंडर डिस्प्ले होगा। ट्रूली अंडर डिस्प्ले मतलब वो जो कैमरा उसे आप देख नहीं सकेंगे, स्क्रीन के अंदर होगा लेकिन ऊपर पूरा स्क्रीन होगा, वहां पर कोई ब्लैक होल या फिर पंच होल कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन पहले आपको याद है Xiaomi ने एक ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में ऐड किया था, बिल्कुल वैसे टेक्नोलॉजी अगले साल सैमसंग लेके आ रहा है। अगला न्यूज है एप्पल की तरफ से। एक चीज मैं आपको बता दूं, एप्पल के iPhone 11 Pro Max जो कि उनका सबसे बेहतर मॉडल है अब तक का, उसका मेकिंग कॉस्ट है 35,000 रुपीज और ये वाला स्मार्टफोन एप्पल बेच रहा है 1,50,000 रुपए में, मतलब टोटल 5 गुना ज्यादा प्राइस में बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर एक स्मार्टफोन का प्राइस 30,000 है तो एप्पल उसमें से प्रॉफिट कर रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट कर रहा है 1,20,000 रुपए। तो क्या है 1,20,000 रुपए बस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए, या फिर इसे ही कहते हैं एप्पल बिजनेस टेक्निक। अगला न्यूज है इसरो की तरफ से। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं पिछले दिन चांद के जो काला हिस्सा रहता है वहां पर बहुत ज्यादा उजाला था और इसरो ने बहुत सारा पिक्चर उस जगह का भेजा है, वहां पर कौन से क्रेटर है या फिर वो जगह सूरज की रोशनी में कैसा दिखता है ये सारे पिक्चर्स भेजा है। तो नासा ने ऐसा कहा है कि चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर वो अभी किस जगह पर है
इसके बारे में कोई भी पता नहीं चला है, मतलब एक एरिया पे वो गिर गया है इसके बारे में तो एक अंदाजे लगा गया है, लेकिन एग्जैक्ट किस जगह पे अभी तक नासा इसरो किसी को पता नहीं चला है। और इसरो ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि वो विक्रम लैंडर को ढूंढ के ही निकालेंगे। तो नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक नया इंटरस्टेलर कॉमेट को ढूंढ निकाला है। अब इंटरस्टेलर कॉमेट क्या होता है, देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम मतलब सूरज और उसके आसपास के सारे प्लैनेट और सैटेलाइट लेके जो चीज बनता है उसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्ट्रॉइड इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जब दूसरा कोई सोलर सिस्टम से कोई दूसरा अनजान चीज हमारे सोलर सिस्टम में आता है तो उसे कहते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अब एक नया एस्ट्रॉइड जो कि दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है इसका नाम है बोरिसोव। और ऐसा कहा जा रहा है हो सकता है कि ये बहुत सारे ऐसे ही सोलर सिस्टम को पार करके हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका है। क्या आपको पता है आपके ब्रेन मतलब अगर आपके ब्रेन को आप ठीक से ट्रेन करते हो तो आप अपने ब्रेन की पावर की मदद से किसी जगह पर अगर शरीर में किसी जगह पर आपको कोई दर्द दे तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ब्रेन को अगर आप परफेक्टली ट्रेन कर सको तो अगर आपके शरीर में किसी जगह पर दर्द भी है तो भी आपको दर्द मालूम नहीं चलेगा, ये साइंटिस्ट का ऐसा कहना है। तो रिसर्चर्स को कुछ एंशियंट एशियन टैबलेट मिला है जिस टैबलेट में ऐसा कुछ दिख रहा है कि बहुत साल पहले मतलब 660 BCE में पूरे धरती के ऊपर एक बहुत खतरनाक सोलर स्टॉर्म आया था। अब सोलर स्टॉर्म क्या है ये बारे में अगर बताने गया तो बहुत वक्त लगेगा। आप बस ऐसा सोचिए सोलर स्टॉर्म एक ऐसा चीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अगर कोई सोलर स्टॉर्म धरती पर टकराता है तो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग या फिर कार उड़ जाएगा, वो उस तरह का स्टॉर्म नहीं होता है। इससे क्या होता है पूरे दुनिया में जितने भी सैटेलाइट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोलर स्टॉर्म एक इस तरह का चीज है। तो आज का टेक न्यूज यही था, उम्मीद आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।